अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। छोटे भाई बॉबी को रोता देख भड़के सनी देओल। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल ने वो कमाल कर दिखाया जो इससे पहले आज तक रणबीर कपूर, अनिल कपूर या बॉबी देओल की किसी भी फिल्म ने नहीं दिखाया। फिल्म के रिलीज से पहले ही पब्लिक इसे देखने के लिए एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन फिल्म में एक बात थी जो सब पर भारी पड़ रही थी और वो थी लॉर्ड बॉबी का किरदार। ट्रेलर में जिसने भी बॉबी देओल को देखा उसी के मुंह से निकला वाह क्या बात है। सबको लगा कि संदीप रेड्डी वांगा ने बॉबी देओल को उनकी लाइफ का सबसे करिश्माई रोल दे दिया है, लेकिन फिल्म के ट्रेलर में बॉबी देओल का रोल जितना दिखाया गया था वैसा फिल्म में पेश नहीं किया गया और इसी बात ने दर्शकों और बॉबी को काफी ज्यादा निराश भी किया। वहीं दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा है कि फिल्म एनिमल में बॉबी के साथ धोखा हुआ है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल में विलेन का किरदार निभाने वाले बॉबी देओल उस समय बहुत ज्यादा निराश भी देखे गए थे। वहीं सनी देओल भी बॉबी के साथ हुए धोखे के बारे में जानकर काफी गुस्से में आ गए थे। दोस्तों फिल्म एनिमल ने ओपनिंग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 116 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया था। बता दें कि इस सर्टिफिकेट वाली किसी भी फिल्म का ये सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन रहा। फिल्म एनिमल के लिए रणबीर कपूर ने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया था। इस फिल्म में इनका खूंखार रोल देखकर दर्शक हैरान रह गए, लेकिन फिल्म में जैसे ही बॉबी की एंट्री होती है पूरा सिनेमा घर तालियों से गूंज उठता है। यही बात बॉबी की फैन फॉलोइंग के प्यार को दर्शाती है, इसलिए बॉबी का यह वीडियो मीडिया पर आग की तरह खूब वायरल हुआ, जिसमें आप साफ तौर पर बॉबी देओल को रोता हुआ देख सकते हैं। लगभग 55 साल के हो चुके बॉबी ने जिस तरह से इस फिल्म में अपना खतरनाक विलेन अवतार दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि बॉबी देओल का यह वीडियो उस समय का है जब वे इस फिल्म की सफलता को देखने के बाद अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाए थे। वहीं दूसरी ओर उनके साथ फिल्म में धोखा भी बताया जा रहा है। दोस्तों इस फिल्म में बॉबी देओल रणबीर कपूर के सामने काफी भारी दिख रहे थे। बॉबी देओल ने खुद बताया कि वे फिल्म एनिमल के लिए अपने ऊपर करीब 1.5 साल से काफी मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तब उनकी मेहनत के बदले उन्हें धोखा मिला, क्योंकि फिल्म में बॉबी के केवल 3 ही सीन्स हैं और उनका कोई भी डायलॉग नहीं है। फिल्म में बॉबी को एक गूंगा विलेन बनाया गया था। इस फिल्म से बॉबी के कई सीन्स काट दिए गए हैं जिन्हें शूट तो किया गया था मगर फिल्म में नहीं डाला गया। लगभग 3 घंटे 21 मिनट लंबी इस फिल्म में बॉबी का किरदार मुश्किल से लगभग 15 से 20 मिनट का ही है, जिसमें वे रणबीर कपूर के किरदार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब फिल्म निर्माता निर्देशक ने देखा कि बॉबी देओल रणबीर कपूर पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उन्होंने बॉबी के कई सीनों को कटवा दिया और बॉबी को इस बात का पता तक नहीं चला। फिल्म में बॉबी की एंट्री इंटरवल के बाद होती है, वो कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चला। बॉबी देओल अपने किरदार में जान फूंकने के लिए लगभग 1.5 साल से कड़ी मेहनत कर रहे थे। उन्होंने अपनी बॉडी पर अच्छी खासी मेहनत भी की थी, लेकिन मिला क्या? धोखा, जिसके बारे में बॉबी ने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों क्या आपने फिल्म एनिमल को देखा है? अगर हाँ तो आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। कुछ नहीं करना आपको, आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। ओके, एक्शन। पापा पापा पापा, सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। ओ बादल जो आए थे आग बरसाए, हटा।